नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार में पिछले दिनों बीपीएससी के द्वारा 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसके नतीजे हाल ही में घोषित किए गए हैं, जिसमें 1,22,000 अभ्यर्थी पास भी हुए। दिलचस्प बात ये रही कि जितने भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में पास हुए हैं, उनमें से एक उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह की बेटी शिखा सिंह भी है। शिखा सिंह ने भी बीपीएससी के द्वारा आयोजित शिक्षक बहाली की प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल की और टीचर बन गई। बीपीएससी की शिक्षक बहाली प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल करने की बात खुद बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सोमवार को पोस्ट करके दी। बीजेपी प्रवक्ता ने पोस्ट किया कि जगत जननी भगवती मां वैष्णो देवी की कृपा से मेरी छोटी बेटी शिखा सिंह का चयन बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर हुआ है। देवी स्वरूपा को शत शत नमन। बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट लिखा। अब उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रवक्ता की बेटी की शिक्षक बहाली प्रतियोगी परीक्षा पास करने को लेकर बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। महागठबंधन सरकार में सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह को जवाब दिया है और कहा है कि उनकी बेटी शिखा सिंह बिहार में शिक्षिका के रूप में सेलेक्ट हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार की वजह से। बता दें कि आरजेडी ने भी इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा है कि हे यूपी बीजेपी के प्रवक्ता, आपकी बेटी का बिहार में निष्पक्ष चयन समता मूलक राजनीति और समावेशी विकास की पर्याय न्यायप्रिय समाजवादी सरकार के रहनुमा नीतीश कुमार और नौकरी रोजगार के मुद्दे को राष्ट्रीय विमर्श बनाने वाले लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की उच्च सोच और कृपा से हुआ है। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर ये बातें लिखी और बीजेपी प्रवक्ता पर तंज कसा। तो देखा आपने कि किस तरीके से शिक्षक बहाली प्रतियोगी परीक्षा हुई और उसमें यूपी के बीजेपी प्रवक्ता की बेटी का चयन हुआ और उसे शिक्षिका बनने का मौका मिला। और इस बात पर जब बीजेपी प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो कैसे आरजेडी ने पूरे मामले पर बीजेपी पर तंज कसा। तो हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। बता दें कि हमारे सहयोगी रोहित सिंह ने पटना से ये स्टोरी फाइल की है।